I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with a new video जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऑफकोर्स इन्फॉर्मेटिव भी। तो ये जो वीडियो है ये मेनली स्कैम्स के बारे में है, यहाँ पे जो रशिया में स्कैम्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सबसे बड़ा स्कैम है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट स्कैम हुआ है बैंक स्कैम। उसमें मेनली क्या होता है ना, आप यहाँ पे जब आते हो तो आपको कॉल आएगा, आप जहाँ पे भी जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवाया है वहाँ उसका नाम लेके कॉल आएगा और आपसे आपका पर्सनल डिटेल्स मांगा जाएगा या फिर पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा या फिर आपके कार्ड के पीछे जो पिन कोड होता है वो मांगा जाएगा या फिर आपके मोबाइल पे जो OTP आएगा वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आप वो बताते हो तो ऑफकोर्स आपके अकाउंट से पैसा कटेगा और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है। तो इसमें आपको बस ये अवेयर रहना है, इसमें जो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है, कोई कॉल आता है अननोन नंबर से, तो उसको आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना है और अवेयर रहना है इसमें। ये मेनली ये चीज़ें इंडिया में भी होती थी बहुत पहले, बट अब इंडिया में लोग अवेयर हो गए। बट यहाँ पे आप आते हो, यहाँ के कंडीशंस के बारे में नहीं जानते हो, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हो, यहाँ का लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो आप इसमें फंस सकते हो इजिली। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट स्कैम जो है, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कैम होता है उसके बारे में बात करने वाले, वो है लाइक आप कोई भी यहाँ पे फेमस सिटीज़ जाते हो घूमने के लिए, जैसे मॉस्को, पीटर्सबर्ग, तो वहाँ पे क्या होता है ना, लोकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के कॉस्ट्यूम्स में होते हैं और वो आपको बोलेंगे हमारे साथ फ़ोटो ले लो। तो आप सोचोगे ऐसे ही चलो फ़ोटो ले लेते हैं, बाद में वो बोलेंगे पे करने के लिए, लाइक हमारे साथ आपने फ़ोटो लिया तो पे करो। तो वो आपको लोकल से ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बाद में बिहेवियर उनका थोड़ा रूड होता है, ख़राब होता है, मे बी झगड़ा कर ले, तो आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो उससे आपको अवेयर रहना, कहीं भी आप घूमने जाते हो बड़ी सिटीज़ तो आपको ऐसे लोगों के साथ फ़ोटोज़ नहीं लेने। जो अगला स्कैम है ये भी सेम लाइक मैंने जो लास्ट वाला आपको बताया उसी से सेम है। ये भी कोई फेमस सिटी आप घूमने जाते हो, पीटर्सबर्ग, मॉस्को या कोई भी सिटी, तो वहाँ पे क्या होते हैं, लोकल्स होते हैं, वो आपको बोलेंगे मेरा पिक्चर ले लो। वो कोई डैमेज्ड फ़ोन या कैमरा देंगे आपको और जब आप पिक्चर ले लोगे उसके बाद वो बोलेंगे आपने मेरा फ़ोन ख़राब कर दिया, कोई पार्ट्स टूटा हुआ होगा वो गिर जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा और वो बोलेंगे आप मेरा फ़ोन आपने ख़राब कर दिया, कैमरा ख़राब कर दिया, आप इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ पे भी वही सीन होता, आपको लैंग्वेज नहीं आता, आप बहस नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, आप दूसरी जगह पे हो तो आपको ऑफकोर्स पे करना ही पड़ेगा। तो इससे भी आपको अवेयर रहना गाइस। तो जो हमारा अगला स्कैम है, फिर से मैं बोल दिया हमारा, यहाँ का भाई जो अगला स्कैम है वो है यहाँ पे अवीटो। अवीटो एक ऐप, ऑनलाइन ऐप है जहाँ पे आप चीज़ें खरीद सकते हो, बेच सकते हो, जैसे इंडिया में OLX है। उस पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको शूज़ बेचना है तो आपने 3000 डाला, तो ये मेनली सेलर्स के साथ होता है। आपको कोई मैसेज करेगा पर्सनल, उस पर जब नंबर डालोगे आप उसमें मैसेज आएगा जो हाँ मैं ये खरीद रहा हूँ, वो आपको लिंक भेजेंगे जो मैंने यहाँ पे लिंक पे कर दिया है, ये लिंक से आप जाके रिसीव कर लो मनी। जब आप वो लिंक को ओपन करो तो वहाँ पे आपको अपना बैंक का पर्सनल डिटेल्स डालना होगा और उसमें आएगा जो आपके बैंक में एक लोअर लिमिट कुछ होगा अमाउंट का, इतना रहना चाहिए ये पैसे को रिसीव करने के लिए। फिर वो जैसे ही आप ओके करोगे ना तो आपको आने के बदले आपके अकाउंट से उतने रूबल्स कट जाएंगे, जो भी अमाउंट होगा वो कट जाएगा। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। और इसी से रिलेटेड एक और स्कैम है यहाँ पे, वो है लाइक टैक्सी। आप कहीं लॉन्ग पे जा रहे हो और आपने टैक्सी बुक किया तो ड्राइवर आपको ना एक लाइक वो कन्फर्म करने के लिए आपको बोलेगा कोई लिटिल अमाउंट आप भेजो, तो ड्राइवर आपको एक लिंक भेजेगा और आपको बोलेगा 100-200 कुछ भी सेंड करो आप वो लिंक पे। तो आप सोचोगे चलो लोअर लिटिल अमाउंट है मैं पे कर देता हूँ, आप जैसे ही जाओगे इन्फॉर्मेशन डालोगे बैंक डिटेल और आप 50 या 100 रूबल डाल दोगे अमाउंट, और उसके बाद जैसे पे करने जाओगे तो वहाँ पे 10,000, 15,000, 20,000 रहता है। और कोई कोई इंसान क्या होता है जल्दी में पे कर देता है, देखता नहीं है, बट जहाँ पे का ऑप्शन रहता है वहाँ पे 10,000, 20,000 लिखे रहते हैं। तो अगर आपने जल्दी में पे कर दिया तो आपके उतने अमाउंट कट जाएंगे और बाद में वो ड्राइवर गुल हो जाएगा, भाई मिलेगा नहीं। गाइस इस वीडियो का जो लास्ट स्कैम है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है पासपोर्ट और पर्सनल डिटेल, आपका बैंक डिटेल। आप लाइक जब यहाँ पे आते हो, मेनली मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पे जो मेरे व्यूअर्स है वो ज़्यादातर स्टूडेंट ही है, तो आप यहाँ पे जब आते हो तो आप अपना पासपोर्ट का फ़ोटो या डिटेल या बैंक की डिटेल जो है वो किसी को, यहाँ का लोकल बैंक डिटेल होगा, वो किसी अननोन पर्सन को मत दो। हाँ, यूनिवर्सिटी में आप पासपोर्ट वगैरह का काम होता है वो आप दे सकते हो यूनिवर्सिटी में, बट आप अननोन पर्सन को नहीं दो, क्योंकि क्या होता है ना, वो यूज़ करके आपका पासपोर्ट का डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल यूज़ करके कोई भी पर्सन ना यहाँ पे आपके नाम से लोन ले सकता है और वो बाद में आपको पे करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको मे बी पता नहीं चले बट बाद में आपको पे करना पड़ेगा। तो इससे आपको सबसे मस्ट मैं बोलूँगा इससे अवेयर रहना, क्योंकि क्या पता वो कौन कितना अमाउंट आपके नाम पर लोन ले ले। गाइस तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं या फिर व्लॉग भी हो सकता है, तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, अपना प्यार देते रहो। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर। और हाँ, और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे काइंडली आप DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। और हाँ जी, इससे रिलेटेड ऐसे वीडियोस और भी चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उस पर ट्राई करूँगा वीडियो बनाने के लिए।